हेलो एंड वेलकम बैक टू सेकंड स्लिप। आज नाजरीन मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि ये दोनों सड़े हुए हैं बड़े सा, और इन दोनों ने शर्त लगाई थी कि पाकिस्तान जीतेगा। मैंने कहा था भाईजान ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा, हालांकि इट वेंट वेरी क्लोज, लेकिन एंड में जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ताल्लुक है तो ये कहने में कोई अब रह नहीं गया कि प्रोग्राम चला कि नहीं चला। तो क्या प्रोग्राम तो वड़ गया, अब बाकी का वर्ल्ड कप हम बगैर पाकिस्तान के वैसे ही चलाई जाएंगे। तो काशिफ अरसलान क्या कहते हैं भाईजान? नहीं, अरसलान आज देखिए, आज प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया और बड़ा अच्छा किया। प्रॉब्लम वही शुरू में था, इंटेंट का मसला था, हमारे बैटर्स का इशू था शुरू में। और देखें, बाबर आजम जिस कैलिबर का प्लेयर है ना, उस कैलिबर के प्लेयर के लिए 50 रन और उसके बाद फौरी आउट हो जाना बहुत ही अफसोसनाक बात है, और यही हो रहा है पाकिस्तान के लिए। वो जो कंटिन्यू करना था वो कंटिन्यू नहीं कर सक रहा। और दूसरा, मुझे नहीं समझ आती कि ये इतना अजीब सा एक्सपेरिमेंट, साउथ शकील को पीछे कर दिया, इफ्तिखार को आगे कर दिया। आपने अफगानिस्तान के मैच में देखा कि यार, आपने भेजा पहले शादाब को, शादाब ने डिलीवर किया आपको, और उसके बाद आप इफ्तिखार को लेकर उसने फिनिशिंग टच दिया। आज भी अगर उसी को कंटिन्यू करते तो मेरा ख्याल है वो स्कोर जो है वो बेहतर हो जाना चाहिए। यार, मैं ये समझता हूँ बाबर आजम का आउट होना अनलकी था। देखिए, बाबर आजम ने जो शॉट मारी, नहीं यार क्रिकेटिंग देखिए ना आप, उससे शॉट मारी वही मार सकता था उस बॉल पे, और क्या करता। अब उसे शॉट मारी नहीं लगी, लेकिन उसका ग्लव टच हुआ तो बहुत, उसका हैवी बैट शायद टच तो हुआ नहीं, ग्लव बहुत स्लाइट सा उसका वो सिकोमीटर में आया, वो टच हुआ, बहरहाल अनलकी था। लेकिन इफ्तिखार का ऊपर आना, ये बात सही है, पर आज शादाब एक तो बहुत मुझे अफसोस हुआ कि वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ और उसकी जगह उसामा मीर ने बॉल की, और बड़ी अच्छी बॉल करी। लेकिन शादाब जिस तरह की बैटिंग करके गया, मजा आया, दलेराना बैटिंग की, बहुत अच्छा खेला शादाब, और साउथ शकील अच्छा खेला, लेकिन वही 50 करके बस हो जाती है इनकी भी। वो क्या, शमसी को खेल भी अच्छा रहे थे और डर भी रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अंग नूर बना लेते हैं, नया बॉलर जो आता है ऐसे लगता है जैसे इसको बाहर मोहल्ले से बुला के लाए, कभी देखा ही नहीं है, हालांकि आपने यहाँ भी खेला हुआ है उसको, PSL में। बहरहाल अच्छा था मैच, आज पहला मैच था रिजवान जिसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि यार फाइट की है टीम ने, हाँ, स्कोर बहुत कम था, फाइट की है, 400 के टीम को 270 के ऊपर 9 लेकिन खिलाड़ी आउट लेकिन कर। अरसलान, यहाँ एक बात, पाकिस्तान यार ये कमबख्त जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर लेकर और बाहर मैनेजमेंट, क्या छोले बेच रहे नहीं हैं, नहीं क्या नहीं कर रहे हैं, ये नेटफ्लिक्स क्यों नहीं बताते हैं इनको कि भाई आपने 50 के ओवर पूरे के पूरे खेलने हैं भाई। आखिरी ओवर में चाहे टमाटर लेकर वहां बैठ जाओ, लेकिन कम से कम पूरे ओवर खेलो। वही अगर 10-12 रन हमारे पास एक्स्ट्रा होते तो आज हम मैच की शक्ल कुछ और यार निकल रिजवान, आती, लेकिन आप 50 ओवर नहीं पूरे खेलते, कसम खाई गई। मैं सुबह से कह रहा और हूँ रिजवान, पायान, एक मिनट, मैं सुबह से कह रहा हूँ इनको, इन्होंने मुझे सुबह भी ये बात कही कि यार वो जो लैपटॉप लेके बैठे हैं वो क्या करें। मैं कहा आपको कैसे पता कि वो लैपटॉप पर वही कर रहे हैं जो क्रिकेट वाला काम है, हो सकता है नेटफ्लिक्स देख रहे हो भाई, को फिल्म फिल्म देख रहे हो। मैंने मैंने नोट किया है कि यार ये होस्ट बन के तो बंदे की बारी नहीं आती, सारे अपने ही मशवरे दे जाते हैं। मैं भी बता दूं जो इंटरेस्टिंग चीजें मैंने नोट की। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को लेने की कोशिश की इजी। हम आमतौर पे कहते हैं ना कि जिस तरह आप अरसलान कहते हो कि वो बड़े लड़के ले आए थे, तो आज वो छोटे लड़के ले आए, जिसको बाहर बिठाया होता है कप्तान को, उनका छोटे तू भी आगे खेल ले, कमजोर टीम है, वरना बोमा को वो खिला नहीं रहे। ठीक, अच्छा, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा फर्क पड़ा। हम शमसी का बड़े अरसे से कह रहे थे कि यार वो एक सेकेंड स्पिनर, उनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी का मौजूद है, उसको नहीं खिला रहे, आज उन्होंने भी खिला लिया। तो पाकिस्तान के लिए आज सारा कुछ फेवर में था, लेकिन टॉस वो जीते, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो आपको पता था कि वो 330 थे, चलो 400 नहीं, तो इस बॉलिंग के खिलाफ 330-40 उन्होंने कर लेना था, वो चेज नहीं होना था। तो हमारे पास, और हम कल प्रोग्राम में यही डिस्कस किया था टीवी वाले पे भी और इधर भी, कि यार अगर तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिलती है तो साउथ अफ्रीका के चेज प्रूवन नहीं है, और 280-270 से ज्यादा हमारी औकात नहीं है, यही कहा था वर्ड्स। तो हमने 270 तो बिल्कुल कर लिया और फाइट भी किया, और उन्होंने भी अच्छा फाइट किया एंड में कर गए। लेकिन अगर आप वही इंटेंट शुरू में दिखा देते पहले 10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर, जो बाबर तक, रिजवान तक जो बैटिंग थी, तो आप शायद ये 295-300 की तरफ लेते थे, और ये विनिंग स्कोर होना था यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान की दर प्रॉब्लम शुरू से ये कि हम वो इंटेंट नहीं दिखाते, जिसकी वजह से रन रेट हम बाद में चेज ही कर रहे होते हैं उसको। अच्छा, अब बाबर आजम की बात कर रहे थे। देखिए एक चीज आज माने कि बाबर आजम उसी फेज में था जिस फेज में काशिफ यहाँ पर मिस बॉल रखा जाता है, और हमें ये था कि यार बाबर आजम को जो है वो 4-5 खिलाड़ी आउट होने के बाद वो करे क्या। तो आज यही था, ऊपर तले सारे आउट हो गए। रिजवान ने इतनी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया कि
भाई इतनी भी केड़ी इंटेंट आ गई तुझे कि तू पहले कभी नहीं खेलता, आते ही तूने वो उठी हुई बॉल को पता नहीं कौन सा कट मार रहा था, साइंस उसकी नई साइंस निकाल ली उसने। अच्छा वो फिर इफ्तिखार का शॉट कनेक्ट हुआ, जबरदस्त शॉट लगा, भाईजान ने फिर वही किया, उठा दी गेंद, उसे कुछ ज्यादा इंटेंट भी नहीं चाहिए ना यार। अब आप देखो तो सेंसिबल हिटिंग क्या चीज है। नहीं देखें पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में, और मैं तो कहता हूँ अच्छा हो गया आज ये मैच फारिग हुए, हम भी टेंशन फ्री हुए, अब सुकून से वर्ल्ड कप देखेंगे, ना कोई परेशानी ना मैच देखें, क्योंकि ये टीम नहीं जीतने वाली थी, ये टीम नहीं, इस टीम को पता नहीं क्या हुआ है, एशिया कप के बाद ये टीम ऐसी तितर बितर हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये वही पाकिस्तान की टीम है जो हॉट फेवरेट थी, जो नंबर वन थी, जो पता नहीं क्या थी, लेकिन सारे के सारे आउट ऑफ कलर हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लैंड के साथ हुआ है। आप इंग्लैंड की देखें, अगर किताब पर लिखकर पूरी टीम लिखें तो आप कहेंगे यार ये टीम तो पक्की वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, लेकिन जब वो ग्राउंड में आई है तो बिल्कुल फारिग हो गई। आप देखें कल उनके साथ क्या हशर हुआ है इंग्लैंड के साथ, तो वही पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। पाकिस्तान का बैड पैच ऐप है, मुझे तो आज लग रहा था कि बबूमा जो आउट ऑफ फॉर्म था उसको भी हम फॉर्म में वापस ला रहे थे, वो तो आ गया। आज रिजवान साहब वसीम जूनियर को तो यार मैं माफी मांगने पे तैयार हूँ भाई, क्लब लेवल मैंने तो बॉलर कह दिया था, आपने कह दिया था, काशिफ ने भी कह दिया था, वो भाई जान नहीं यार बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आज उसने जो बॉलिंग की है वो तो मैं कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि हसन अली नहीं था। क्या उसने बॉलिंग की है यार, क्या उसने कमाल की, मतलब उसकी मैं बहुत नहीं, इसका मतलब है कि आपको बेंच स्ट्रेंथ अपनी टेस्ट करनी चाहिए। आरिस लोगों को अगर हम बाहर बिठा देते और वसीम जूनियर को ले आते तो शायद हम पिछले मैचेस में और मजीद बेहतर रिजल्ट्स हमारे सामने आते, उतनी नहीं उतना नहीं पिटता ये जितना वो तो सचिन तेंदुलकर। आज शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है वैसे, रिजवान ये माने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 45 पे 3 विकेट, 50 पे 2 विकेट, वसीम के कला हारिस रऊफ शेर है और जिसने 62 नहीं, और शाहीन शाह आफरीदी की आज देखे ना दूसरे ओवर में जूनियर को विकेट मिली है, पेस भी 130-32 से उठ के 139-40 पे पहुंच गई उसकी पेस, तो फर्क किया, फर्क पड़ा है उसकी विकेट का, यही वो अच्छा, विकेट चाहिए थी। और अगर अभी आप स्टैट्स देखें तो अभी हाईएस्ट विकेट शाहीन शाह आफरीदी है इस वक्त वर्ल्ड कप का। अब लगता नहीं है कि हमने को वर्ल्ड कप में और 10 पॉइंट लेंगे तो कोई तीर मार लेना है, ऑस्ट्रेलिया भाई आगे जा रही है और लगता भी है कि ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी। बहरहाल आज इंटेंट बेहतर शो हुई, टीम कलेक्टिवली अच्छा खेली, ये बात ठीक है कि पहले से आज के मैच में हमारी टीम डिफरेंट नजर आई, वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बात है, उसामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पता नहीं नवाज को वो ओवर क्यों दे दिया, क्यों दे दिया वो ओवर, और उसने क्या मतलब बेकार बॉल की यार, क्या बेकार बॉल की उसने, समझ से मेरी बाहर है, क्यों जी काशिफ साहब। देखें आपके पास एक रिकॉग्नाइज बॉलर है, उसामा मीर पड़ा हुआ था, रिजवान की तो उसकी नवाज की तो बनती नहीं थी, ऐसा बॉलर जो क्वालिटी नहीं चल रहा यार उसको दे देते शायद तो बेहतर रिजल्ट आ जाते, लेकिन फिर ये पोस्ट मैच डिस्कशन है, एक पट है, अगर उसामा मीर को मार पड़ती जाती तो हम कहते यार तो नवाज को दे देना चले जी कोई नहीं, इसमें किस्मत हमारी हारी हुई थी, हम मैच हार गए कोई बात। चले जी अब इस वर्ल्ड कप को देखते हैं कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट तो बहुत थोड़ा सा रह गया। फॉर वी एंड एक चीज कह दूं कि मैं सारी बातों से एग्री करता हूं, सिवाय इसके कि ये मैच हम अच्छा तो खेले लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, और इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि यार ये अब हम वर्ल्ड कप टेंशन फ्री देखेंगे, नहीं हम तो उसी तरह देखेंगे, मैं तो पहले टेंशन फ्री था, मैंने तो कहा था कि पाकिस्तान 5th 6th 7th आएगी, अब मुझे लग रहा है 7th भी नहीं आएगी, 8th पे ना चली गई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें, एंड प्लीज कमेंट ऑन द वीडियोस ताकि हम आपको आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें आप चाह रहे हैं देखना हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स करें। थैंक यू एंड बाय बाय।